I think that today we'll be starting a new chapter that will help of evaluation for the class time. So before I start, I will request you to please subscribe my channel if you are not subscribed yet, and if you are a new to my channel, because it will help you to get the notification for the as soon as the new video is uploaded. So if you are liking the videos, press the like button, share with your friends so that they can also be benefited from this video. And not the least, whether you can meditate, whether it's not your family. Usually meditation family, the first should be the video. And Bhumi, under suggestion, Bhumi should be the video. So, Shakti, से हम ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, रूटीन कर सकते हैं और पेपर में ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स आने के पहले हम लोग को जो सीखना है वो ठीक अंदर में जो एक नॉलेज होनी चाहिए वो नॉलेज हमें मिल सकता है, वो अच्छी तरह से हमें तो मिल सकता है अगर हम मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है, खुद ही हमारी भूल सकती है। तो हमें ये थोड़ा सा मेडिटेशन करके ही शुरू करना चाहिए। हम लोग भी जो मेडिटेशन करते हैं तो बस 1 मिनट होंगे, तो कॉन्सेंट्रेट करके लाइट खेल के कॉन्सेंट्रेट करके राइट शरीर पूरे बॉडी में छप रहा है। हमारे दिल के अंदर हमारे दिल के अंदर हमारे दिल के अंदर हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे हेल्थ के इश्यूज को देखा जाता है, मतलब कोई भी डिजीज हो, क्यों हो रहा है, कैसे उसको टेक केयर किया जाता है, ये सारे चीजें। तो पहला आता है हमारा क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है। दो तरह का होता है, एक होता है फूड एंड वाटर बोन डिजीज, जो कि फूड एंड वाटर से हमारा जो डिजीज आता है, और एक होता है इंसेक्ट एंड एयर बोन डिजीज, इंसेक्ट के द्वारा या फिर हवा के द्वारा जो डिजीज हमें आते हैं वो सारा हमारे हेल्थ इश्यूज को जाता है। दूसरा तो और भी है, जैसे डेफिशिएंसी डिजीज है, उसके सारे है, लेकिन ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हो रहा है कैटेगरीज ऑफ हेल्थ। ये तो डिजीज के बारे में हुआ, फिर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने कैटेगरीज का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक होता है लोकल बॉडी, एक होता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
एक होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बॉडीज में आता है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, उसके बाद आता है एरिया, टाउन एरिया में जो कमिटीज होता है वो सब, जो हमारे हेल्थ इश्यूज को देखता है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है। अच्छा, जो पहले ये बता देते हैं, लोकल बॉडीज में जो टेक केयर होता है वो क्या क्या टेक केयर होता है, सैनिटेशन, सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन एंड कीपिंग स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स। सैनिटेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, वाटर सप्लाई के, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के ऊपर ध्यान दिया जाता है, वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखने के लिए ध्यान दिया जाता है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या टेक केयर करता है, वो बड़े बड़े जो डिजीज है उनको उनके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, रेड क्रॉस और हू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली हमें इस चैप्टर में आप लोग के सिलेबस में जो है वो है रेड क्रॉस और हू के बारे में, ये लोकल बॉडीज और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करता है। नाउ आता है आप लोग का कॉमन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया में क्या क्या है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बड़ा सा कंट्री है विद हाई डाइवर्स ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड इट्स पॉपुलेशन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्रॉडली 5 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। बहुत बड़ा कंट्री है हमारा भारत, और इसमें बहुत सारा डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल अनक्लासिफाइड, मतलब जिसका मैप हम लोग देख चुके हैं कितना ज्यादा क्लाइमेटिक का क्लाइमेट का फर्क होता है, कितना ज्यादा ज्योग्राफिकल कंडीशंस, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे प्लेटो है, सब कुछ है यहाँ पे, तो इसके चलते क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत फर्क पड़ता है। ये ब्रॉड टाइप्स में, 5 ब्रॉड टाइप्स ऑफ हैबिटेशन में इसको डिवाइड किया। पहले होता है बिग सिटीज, जिसमें कि ना जिसमें कि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखते हैं, बहुत सारा व्हीकल्स होता है, हेविली बर्डन वाटर सप्लाई होता है, सीवेज सिस्टम्स होता है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज होता है, हाँ, जहाँ पे लॉट्स ऑफ टाउनशिप होता है, इसके इनसाइड में बहुत ज्यादा टाउनशिप होता है। फिर आता है, हाँ, इसके अंदर भी होता है कुछ, बाहर भी टाउनशिप होता है। फिर स्मॉल टाउन्स आते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड नहीं होता। इसके बाद आता है विलेजेस, बिग सिटीज हो गया, स्मॉल टाउन हो गया, उसके बाद विलेजेस। विलेजेस में क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, डेयरीज होता है, पोल्ट्री फार्मिंग होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज होता है, जहाँ पे वो वही सब मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है। उसके बाद आता है रिमोट एरिया, विलेज से भी बहुत ज्यादा अंदर, जहाँ पे ट्राइबल पीपल लोग रहते हैं, मोस्टली वो सब फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स खाते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ऐसा कुछ रिमोट एरिया जहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाते। स्लम डवेलिंग्स में क्या होता है, झोपड़ी जो हम लोग देखते हैं ना कंट्री साइड्स में, सिटीज में भी बहुत ज्यादा झोपड़ी होती है, आउटस्कर्ट्स में बहुत झोपड़ी वो देखा जाता है, कॉमन साइट होता है वो सिटीज का आउटस्कर्ट्स में, वो जो ज्यादातर अनहेल्दी और अनहाइजीनिक कंडीशन। तो इसके चलते हमारा जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है वो क्या, तो बताया पहले जो बताया कि फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस होता है, और इंसेक्ट्स एंड एयर बॉर्न डिजीजेस। तो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या क्या है, कॉमन डिजीज है डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड, डिसेंट्री, जिसके चलते डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई, ये क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है वहां पे, हार्मफुल मिनरल कंटेंट्स ऑफ वाटर, ज्यादातर ये बिग सिटीज में होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज वाटर में ज्यादातर ड्रेनेज करते हैं, तो इसके चलते क्या होता है कि वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, विच आर ऑब्टेन थ्रू वेल्स और हैंडपंप्स वहाँ पे, और अनलिमिटेड सीवेज भी होता है,
अनट्रीटेड सीवेज होता है, जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता है सीवेज का, जिसके चलते क्या होता है, अपना जो वाटर बॉडीज है वो खराब हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, जिसके चलते ये फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस होता है। इसके बाद आता है इंसेक्ट्स और एयरबॉर्न डिजीजेस। ये नॉन कॉन्शियसनेस ऑफ द फ्लाइज अलाइटिंग ऑन द एक्सपोज्ड फूड स्टफ एंड कंटामिनेशन। हम लोग खाना तैयार करते हैं, फिर खाना खुला छोड़ते हैं, वो हम कभी नोटिस भी नहीं करते हैं, फ्लाइज आता है बैठता है और उसको कंटामिनेट भी, ये हम लोग का नॉन कॉन्शियसली हो जाता है। ऐसा करने से वो कंटामिनेट हो गया। फिर लैक ऑफ जनरल क्लेनलीनेस leading to breeding of the house flies, mosquitoes and other insects causing cleanliness ज्यादा नहीं होता है बाहर, घर में, घर के बाहर, आउटस्कर्ट्स में, सराउंडिंग एरियाज में, लोकैलिटीज में ज्यादातर क्लेनलीनेस नहीं होता है। कहीं पे गार्बेज पड़ा हुआ है, कहीं पे पानी जम गया है, तो उसके चलते क्या होता है, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, ज्यादा इंसेक्ट सब ब्रीड करता है और उसके चलते डिजीजेस आ जाते हैं। फिर कैटेगरीज ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बॉडीज, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लोकल बॉडीज हम बताए हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, टाउन एरिया कमिटीज एक्सेट्रा। ये क्या देखता है, सैनिटेशन और रिमूवल एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड और अदर वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज एक्सेट्रा। ये सैनिटेशन भी देखता है, जिसके जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉपर रिमूवल और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, गार्बेज को अच्छी तरह से रिमूव करो या फिर प्रॉपर उसको डिस्पोजल करो, सीवेज एंड अदर वेस्ट को भी ऐसे ही उसको डिस्पोज करो, अच्छा तरह अच्छी तरह से अदर वेस्ट को भी, ब्रीडिंग जो प्लेसेस है फ्लाईज का, मॉस्किटोज का, उसको भी डिस्पोज करो ताकि पूरा क्लीन रह सके। फिर सेफ सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब घरों में सप्लाई हो, जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे सप्लाई ठीक से। फिर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ऑफ द इन्फेंट्स, इन्फेंट्स को और प्रॉपर एज ग्रुप को जो वैक्सीनेशन देना चाहिए, इम्यूनाइज करना चाहिए, वो ठीक तरह से हो, जैसे कि टिटनस इंजेक्शन, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमायलाइटिस, मिजल्स इंजेक्शन, सब उसको ठीक ठीक टाइम से सब दिया जाए। These programs intensified during the risk of epidemic breakout. जब एक epidemic breakout होता है ना, तभी ये इन सब programs को और ज्यादा intensify किया जाता है, ताकि proper vaccinations हो सब बच्चों का। फिर keeping statistical records of the health and diseases in the areas besides the records of the births and deaths in that area. Statistical जो records है हेल्थ हेल्थ डिजीज का, कब कौन ईयर पे कौन कौन सा डिजीज ज्यादा हुआ था, एपिडेमिक हुआ था, एंडेमिक हुआ था, क्या हुआ था, उसको जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड जैसे मेंटेन किया जाता है, वैसे ही उसको भी मेंटेन किया जाता है। ये सब कहते हैं कौन, लोकल बॉडीज करते हैं। नेशनल बॉडीज क्या करते हैं, पर्टिकुलर दे आर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा। ये सबको क्या करते हैं, दे अंडरटेक अ रेगुलर सर्वे, रेगुलर सर्वे करते हैं ये लोग, आइडेंटिफाई द ट्रांसमिटिंग एजेंट्स एंड ब्रीडिंग प्लेस, कहाँ पे ये डिजीज ज्यादा ट्रांसमिट होता है, फैल रहा है, और ब्रीडिंग प्लेस कहाँ पे ये उत्पन्न हो रहा है। अरेंज प्रोफाइलैटिक इम्यूनाइजेशन टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, इम्यूनाइजेशन दिया जाना चाहिए, उसको सब अरेंज करते हैं, जाके वो डिजीज को हम लोग फाइट कर सके। एनआईसीडी, मलेरियल, एक मलेरियल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जो कि इंफेक्शियस डिजीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है, ये भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। टू फुल्ली इरेडिकेट पोलियोमायलाइटिस एन एक्सटेंसिव नेशनल प्रोग्राम अंडर पल्स पोलियो हैज बीन लॉन्च्ड। ये तो हम लोग जानते हैं कि पल्स पोलियो का एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया जा चुका है, वो हो भी रहा है, पोलियोमायलाइटिस को एकदम जड़ से उसको निकाल देने के लिए, उसको वो एक्सटेंशन प्रोग्राम करते हैं,
हर साल ही इसको होता है। फिर आता है आपका इंटरनेशनल बॉडीज, दो बॉडीज है, रेड क्रॉस और ब्लू। रेड क्रॉस डे हम लोग मनाते हैं मई 8 को। रेड क्रॉस का क्या फंक्शन है ये फर्स्ट, ये क्या है? ये है एक नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल एजेंसी है, ये नेशनल भी है इंटरनेशनल भी है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये परफॉर्म करता है एक्टिविटीज विच शुड प्रिवेंट और रिमूव ह्यूमन सफरिंग इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ वॉर। ये एक डिजीज को प्रिवेंट करता है और ह्यूमन सफरिंग को रिमूव करता है। कोई भी ह्यूमन सफरिंग हो तो उसको प्रिवेंट भी करता है और रिमूव करता है, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर। ये कब लॉन्च हुआ था, कब फाउंड हुआ था? 1864। इसका एम्बलम क्या है? इसका सिंबल है एक रेड क्रॉस पॉइंटेड ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड, सॉरी पेंटेड ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड। एक व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर लाल एक क्रॉस किया हुआ है, प्लस साइन। पीपल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन गो टू द बैटल फील्ड टू टेक केयर ऑफ द वाउंडेड सोल्जर्स, वेदर फ्रेंड्स और एनिमीज। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करता है वो लोग बैटल फील्ड में भी जा सकता है। सोल्जर्स जो वाउंडेड है उनको, चाहे वो फ्रेंड्स का हो या फिर एनिमीज का हो, उनको टेक केयर करने के लिए। मेजर एक्टिविटीज क्या है? ये इसका मेजर एक्टिविटीज है, दे एक्सटेंड रिलीफ एंड हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ एनी कैलामिटीज। कोई भी नेशनल कैलामिटी हो, कुछ भी हो, कोई भी कैलामिटीज हो, वहां जाके विक्टिम्स को हेल्प करता है, रिलीफ देता है उन लोगों को, जैसे वो फ्लड हो, फायर हो, कुछ भी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, प्रोक्योर एंड सप्लाई ब्लड फॉर द नीडी विक्टिम्स ऑफ वॉर और अदर कैलामिटी। कोई भी अदर कैलामिटी हो या फिर वॉर के टाइम हो, कोई वॉर में विक्टिम हो गया है तो उसको ब्लड सप्लाई करने की मदद भी करता है और वो लोग करते भी हैं। एक्सटेंड ऑल पॉसिबल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन एनी एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो उनको उस एक्सीडेंट में कोई भी फर्स्ट एड देना पड़े तो वो लोग कोशिश करते हैं, वो लोग अरेंज करते हैं। एडुकेट पीपल इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट, ये तो टेक केयर हो, उसके साथ 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 वो लोग पीपल को एडुकेट भी करता है ताकि एक्सीडेंट हो ही नहीं। अरेंज फॉर एम्बुलेंस सर्विस इन ऑल इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी भी आ गया तो वो लोग एम्बुलेंस की सहायता भी करते हैं, अरेंजमेंट भी करते हैं। लुकिंग आफ्टर मेटर्नल एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, तो चाइल्ड मेटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर जो है उनको भी वो लोग देख रेख करते हैं। इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी हैज आल्सो एंगेज्ड इन ट्रेनिंग मिडवाइव्स। ये लोग ट्रेनिंग भी देता है किनको? मिडवाइव्स को। मिडवाइव्स मतलब जो सर्विस करते हैं ना, वो नर्स नहीं है लेकिन वो लोग रेड क्रॉस में काम करते हैं, तो उन लोगों को भी काम सिखाते हैं कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट होता है हु का। हु ये एस्टैब्लिश हुआ है 1948 में। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका क्या पर्पस है? ये लुक आफ्टर द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड के हेल्थ प्रॉब्लम को टेक केयर करता है। रिसर्चेस ऑन द कॉजेस एंड क्योर्स ऑफ द डिजीजेस। कोई भी डिजीज हो उसका कारण और उसके क्योरिंग के ऊपर रिसर्च करता है। द पुअर एंड द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर टू बेनिफिट क्विकली। क्या क्या रिसर्च होता है कि द पुअर एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर एवं डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका कैसे बेनिफिट जल्दी जल्दी उन लोग को मिल सके। हैज सिक्स रीजनल ऑफिस इन द वर्ल्ड, इनको इन लोग को 6 रीजनल ऑफिस है वर्ल्ड में और एक एक है हम लोग का दिल्ली में भी है। ईच रीजनल ऑफिस वर्क्स फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज। एक एक रीजनल ऑफिस उस मेंबर कंट्री के लिए वर्क करता है। हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हू का? जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है।
Member states are bounded by international sanitary regulations to send in all relevant information, send in all relevant information about the internationally notifiable diseases, malaria and smallpox. मेनली ये हो हुआ था मलेरिया एंड स्मॉलपॉक्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए, उन उसको उसको टेक केयर करने के लिए. तो जो मेंबर कंट्रीज है, मेंबर स्टेट्स है, वो उसको मतलब बाइंड किया गया है कि आप लोग किसी भी हालत में इंफॉर्मेशन भेजिए, सैनिटरी रेगुलेशंस के बारे में टेक केयर कीजिए और इंफॉर्मेशन भेजिए कि मलेरिया स्मॉल पॉक्स कहाँ कहाँ पे कैसा इम्प्रूवमेंट किया है, इसके बारे में उनको जो भी जानकारी है मेंबर कंट्रीज को, मेंबर स्टेट्स को, वो उनको हेडक्वार्टर्स को भेजना है. नेक्स्ट आता है मेन एक्टिविटीज ऑफ द हू का. मेन एक्टिविटी क्या है, मेन पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है इसका. मेन फंक्शन क्या है, फर्स्ट है कलेक्टिंग एंड सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ द डिजीजेस ऑफ द एपिडेमिक नेचर. कौन सा डिजीज एपिडेमिक नेचर ले रहा है उसको उसका इंफॉर्मेशन इन लोगों को कलेक्ट करना है और सप्लाई भी करना है, जैसे कि कॉलेरा, प्लेग, टाइफाइड एक्सेट्रा, ये सब एपिडेमिक डिजीज है ना, तो कहाँ पे कैसे हुआ, कितना फैल रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भेजना होता है. फिर प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग, क्या प्रमोट करना है, क्या सपोर्ट करना है, प्रोजेक्ट फॉर रिसर्च ऑन द डिजीजेस सच एज कैंसर. कैंसर के ऊपर कोई भी रिसर्च किया हो उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बनता है वो उनको प्रमोट करना है और सपोर्ट भी करना है. सप्लाई इंफॉर्मेशन, क्या सप्लाई इंफॉर्मेशन करना है, ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट अबाउट द यूज ऑफ द वैक्सीन एंड अबाउट हेल्थ हैजर्ड्स एंड न्यूक्लियर रेडिएशन. कितना लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वैक्सीन के ऊपर एंड अबाउट हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन. न्यूक्लियर रेडिएशन के ऊपर, न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण जो भी हेल्थ हैजर्ड्स हो रहा है उसके बारे में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन मिला है वो सब सप्लाई करना है. सजेस्टिंग क्वारंटाइन मेजर्स प्रिवेंटिंग डिजीजेस स्प्रेड टू अदर. कोई भी ऐसा डिजीज हो जिसके जिसमें क्वारंटाइन रहना चाहिए, जैसे कि कोरोना, तो उसमें क्वारंटाइन रहना चाहिए, तो वैसा क्या 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 मेजर्स लेते हैं, लेना चाहिए वो सब, ताकि डिजीज प्रिवेंट हो और स्प्रेड ना हो, उसको सजेस्ट करना. जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारा हम लोग को मेजर्स दिए थे, कैसे हम लोग को ट्रीट करना चाहिए, क्वारंटाइन में कैसे रहना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, तो उसी तरह ये लोग सजेस्ट करते हैं अदर डिजीज के टाइम पे. लेइंग, फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इम्पोर्टेंट ड्रग्स टू इंश्योर प्योरिटी एंड साइज ऑफ द डोज. फार्मास्यूटिकल जो स्टैंडर्ड्स है कोई इम्पोर्टेंट ड्रग्स के लिए, जो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है उसको लेइंग करना है टू इंश्योर प्योरिटी एंड साइज ऑफ द डोज. साइज ऑफ द डोज, कितना डोज देना चाहिए कोई भी डिजीज में, कितना प्योरिटी मेंटेन चाहिए, मेंटेन करना चाहिए ड्रग्स में, और कितना साइज होना चाहिए डोज का, तो वो सब ये हु बताता है. फिर ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स फॉर द कंट्रोल ऑफ द एपिडेमिक एंडेमिक डिजीज. कैंपेन करता है कौन सा एपिडेमिक, कौन सा डिजीज एंडेमिक है, कितना देर तक फैलता है, कब हुआ था, कब होगा, ऐसा कुछ मतलब ऐसा डिजीज के बारे में रिसर्च करके फिर कैंपेनिंग भी किया जाता है हु की तरफ से. एक रॉन्ग यूज होता है रेड क्रॉस के बारे में, वो बताते हैं. वो रेड क्रॉस एम्ब्लेम इज वेरी ऑफन यूज्ड बाय हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स एंड नर्सेस फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन, ताकि पता सके कि ये हॉस्पिटल है, कि एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, इनको रेड क्रॉस का एम्ब्लेम ही वो लोग यूज करते हैं, लेकिन ये रॉन्ग. ये एक मतलब रेड क्रॉस का जो सिंबल है, जो एम्ब्लेम है, वो एकमात्र रेड क्रॉस ही यूज करना चाहिए, दूसरा कोई नहीं, बट ये सब कुछ करता है, ये नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग यूज ऑफ रेड क्रॉस. ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो.
Next video will be on the question answers of this chapter. Some important questions, not all, but some important questions. Okay? और उसके बाद हम लोग last chapter जो है इसका part one syllabus का वो करेंगे. And then after we will start with the question syllabus. Okay? So thank you for joining and have a good day. And don't forget to meditate before you start your day.